करवाओगे थोड़ा।
जी मामला क्या है जो अब तक मामला ये है कि एक नौजवान जो इस पर चक्राता के खेटाड़ गांव का है, ऐसा कहना है कि उसकी हत्या हो गई है और जिन लोगों को पुलिस ने अभी जिसे कहना चाहिए राउंड अप किया है, उन लोगों ने यह कबूल भी किया है कि हमने मार के फेंका है पुलिस के वर्जन के मुताबिक, और उन्होंने कबूल भी किया है कि हमने मार के नहर में फेंका है। तो लिहाजा जो है नहर में सर्च हो रही है डेड बॉडी की, अभी तक डेड बॉडी मिल नहीं पाई है और जाहिर तौर पे है एक नौजवान की हत्या हुई है तो बहुत एजिटेटेड है, स्वाभाविक है। और ये आप देख सकते हैं इतने सारे लोग, इलाके के लोग यहाँ पर इस बात को चिंता, एक तो हत्या हुई है वो भी है ही, दूसरा जिस प्रकार से असुरक्षित वातावरण बनता जा रहा है इसको लेकर के रोष है। तमाम सारे पुलिस के अधिकारियों को, SDM खुद इस पर मौजूद हैं और तमाम सारे पुलिस को इस काम में लगा दिया गया है। अभी कुछ चूँकि नहर है इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाती है सर्च करते समय, डीप वाटर सर्चिंग का है, वाटर प्रेशर का रहता है, तो अभी SDRF की टीम को भी मंगाया जा रहा है इस बात के लिए। SPR वगैरह से भी सब बात हुई है, तो SDRF की टीम वगैरह जिनके पास बाकायदा इक्विपमेंट वगैरह हो, तो ये प्रयास चल रहे हैं जी। सर कांटा, सर सुबह से कांटा चल रहा है यहाँ पे ना, कांटा लगा रखा है, लेकिन SDRF के जवान वगैरह ये तो इसमें है नहीं, लोकल आदमी जो है सहयोग ज़्यादा कर रहा है, ये बहुत कम आदमी। देखो हमेशा जब भी घटना होती है ठीक है, 30 वर्ष से यहाँ की परिस्थितियों को मैं देखता हूँ और यहाँ घटनाओं का बहुत बड़ा कारण हो जाता है ये नहर, तो जाहिर तौर पर स्थानीय लोग तो सहयोग हर घटना में करते हैं, चाहे यहाँ लोकल की हो चाहे बाहर की हो, कोई कोई बड़ा योगदान तो स्थानीय लोगों का रहता ही है। तो सर हमारा कैलेमिटी के समय रहता है, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को और लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जो काम करना है वो अपने स्तर पर कर रहे हैं और उसमें जहाँ उनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है उस एडिशनल सपोर्ट को मोबिलाइज करने का, मैं कल से ही जब मुझे इसकी जानकारी मिली थी उसी गांव के बहुत एक वरिष्ठ साथी हैं हमारे सूरवीर सिंह चौहान जी और एक श्याम सिंह राणा जी, जब इन्होंने कल मुझे जानकारी दी तो इमीडिएटली उसी समय से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से हम इसमें संपर्क में हैं और बाकायदा जिन जो आरोपी हैं वो भी थाने में उनको बैठाया गया, उनको इंटरोगेशन चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पुलिस का भी ध्यान हटाने के लिए जानबूझ के कोई स्टोरी तो नहीं कुकअप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वारदात कोई और है, इसलिए पुलिस उस एंगल पर भी पड़ताल कर रही है। लेकिन सबकी ईश्वर से प्रार्थना है कि यदि ये कोई इतना ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो कम से कम उस नौजवान का डेड बॉडी मिल जाए, और हम तो ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं जीवित मिल जाए, कोई घटना और हो तो इससे तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र होगा। तो ये तमाम सारी चीज़ें, इसलिए इसमें अंतिम रूप से कोई बात तभी कह पाने की स्थिति में होंगे जब वो जिंदा या मुर्दा वो मिलते हैं। थैंक यू सर।